नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रवार का दिन था और रात के 8:30 हो चले थे। पूरा हफ्ता काम करने के बाद मुंबई वीकेंड में प्रवेश कर रही थी। कोई अपने घर लौट रहा था तो कोई थकान मिटाने के लिए बार में बैठा हुआ था। मुंबई की सड़कों पर अच्छी खासी गहमा गहमी थी और ऐसे में LBS मार्ग पर स्थित होटल डिलक्स के बाहर अचानक ही एक सफेद रंग की गाड़ी खराब हो जाती है। इस गाड़ी में सवार दो आदमी बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी को चेक करने के बाद एक मैकेनिक को कॉल करते हैं, जो केवल 5 मिनट में वहां पहुंच गाड़ी की मरम्मत करने में लग जाता है। इस गाड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पान के खोखे के बाहर सिगरेट पी रहा एक आदमी बहुत बेसब्री से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है और बार बार अपने इस दोस्त को फोन भी मिला रहा है। इस पान के खोखे से कुछ मीटर दूर फुटपाथ के किनारे बुर्का पहने एक औरत खड़ी हुई है और पठानी सूट वाले किसी आदमी से बात कर रही है, जो वहीं खड़ी अपनी बाइक के ऊपर बैठा हुआ है। होटल डिलक्स नामक इस रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही सबसे पहली टेबल कुछ कानूनी कागजों से लदी पड़ी है और इस टेबल पर बैठे 3 आदमी अपने किसी कोर्ट मैटर के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे बाद पान के खोखे के बाहर खड़े उस आदमी के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान सी आ जाती है। उसका दोस्त जो सड़क की दूसरी तरफ पहुंच चुका था, यह आदमी अपनी सिगरेट को नीचे फेंक पैर से बुझाता है और अपने दोस्त को गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उधर वो मैकेनिक उस सफेद गाड़ी के बोनेट को बंद करता है और एक कपड़े से अपने हाथों को साफ करता हुआ उन दोनों आदमियों से कहता है, लाओ साहब 1000 रुपए हो गए। अबे पागल हो गया है क्या, 1000 रुपए मांग रहा है? देखते ही देखते सफेद गाड़ी वाले इन दोनों आदमियों और मैकेनिक के बीच तूतू मैमै शुरू हो जाती है और ठीक इसी दौरान काले रंग की टी शर्ट पहने एक युवक रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। अपना कोर्ट केस डिस्कस कर रहे वो तीनों आदमी इधर अपनी मीटिंग समेटते हुए वेटर को बिल लाने के लिए कहते हैं और उधर काली टी शर्ट वाला ये लड़का इन तीनों की टेबल से गुजरता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर आने के बाद ये लड़का चारों तरफ कुछ ऐसे नजर घुमाने लगता है जैसे किसी चेहरे को ढूंढ रहा हो, लेकिन इससे पहले कि वो चेहरा इसे मिल पाता अचानक ही इसके कान खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस लड़के को अपने अंदर से आवाज आती है और ये तुरंत पीछे मुड़ दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर देता है। ठीक इसी पॉइंट पर कागजों के साथ टेबल पर बैठे वो तीनों आदमी अपनी अपनी कुर्सियां पीछे कर खड़े होने लगते हैं और ये देखते ही ये लड़का फुल स्पीड में गेट से बाहर निकल दौड़ने लगता है और वो तीनों आदमी भी इसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। बाहर सड़क पर यह दृश्य देख उस सफेद गाड़ी में सवार वो दोनों आदमी और उनका मैकेनिक भी इस लड़के के पीछे लग जाते हैं। पान के खोखे के बाहर खड़ा वो आदमी और उसका दोस्त पठानी सूट वाले आदमी से उसकी बाइक लेते हैं और ये दोनों भी इस चेज में शामिल हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इस लड़के की सांस इसका साथ छोड़ने लगती है और बाइक पर सवार वो दोनों आदमी इसको धर दबोचते हैं। तू तो मिल गया जावेद, अब तेरे मामू जान की बारी है, चल तुझे मारिया साहब ने बुलाया। Yes, Maria this side. सर, आपने सुना क्या? उस्मानी भाग गया। अपने ऑफिस में बैठे ATS के एडिशनल डायरेक्टर राकेश मारिया अपना फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से उनका एक खबरी हांफती हुई आवाज में ये कहता है, क्या, कौन भाग गया? साब इंडियन मुजाहिदीन वाला अफसर उस्मानी।
ये सुनते ही मारिया के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। 2 साल पहले वो क्राइम ब्रांच में थे और बस वो ही जानते थे कि उस्मानी को जेल में डालने के लिए उन्हें और उनकी टीम को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। अरे वो तो कस्टडी में था ना, फिर कैसे भाग गया? गले में अटक चुका अपना थूक किसी तरह नीचे सटकते हुए मारिया अपने खबरी से पूछते हैं तो वो उत्तर देता है, साहब उसे कोर्ट लेकर आए थे, वहीं से भाग गया। अपनी पत्नी और बेटे को जल्दी घर आने का वचन देकर सुबह काम पर निकले राकेश मारिया जानते थे कि आज फिर उन्हें अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। खबरी से बात करने के बाद वो तुरंत अपने लोगों को फोन मिला, ऑफिशियल सोर्सेज से पूरी जानकारी इकट्ठा करने में लग जाते हैं। हुआ कुछ यूं था कि इसी दिन दोपहर को नवी मुंबई पुलिस की एक टीम तलोजा जेल के 18 कैदियों के साथ काला घोड़ा की सेशंस कोर्ट पहुंची थी। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर कोर्ट के बरामदे में यहां काम करने वाले कर्मचारियों, वकीलों, पुलिस वालों और अपने अपने काम से आए सिविलियंस की खूब आवाजाही हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब किसी भी आरोपी अपराधी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती थी, चाहे वो देश की कोई भी जेल या कोर्ट हो या फिर जेल और कोर्ट के बीच का रास्ता। यही कारण था कि तलोजा जेल से आई ये कैदी खुले हाथ लिए पुलिस वालों के साथ आज यहां कोर्ट के बरामदे में बैठे हुए थे। लगभग 15 मिनट बाद इस पुलिस पार्टी का एक कांस्टेबल इन कैदियों का हेड काउंट शुरू करता है, लेकिन गिनती पूरी होने से पहले ही उसके पैरों तले जमीन डगमगाने लगती है। तलोजा जेल से आए इन कैदियों की संख्या 17 हो गई थी, मतलब ये कि इनमें से एक कैदी गायब हो चुका था। एक बार और गिनती करने के बाद ये कांस्टेबल जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देता है और इसकी ही तरह इसके साथियों का कलेजा भी उनके मुंह में आ अटकता है। इस पुलिस पार्टी की ऐसी हालत का कारण सिर्फ एक कैदी का गायब होना नहीं था, बल्कि गायब हुए उस कैदी का नाम था अफजल उस्मानी। कभी अंडरवर्ल्ड में एक्टिव रहा अफजल उस्मानी आज वर्तमान में इंडियन मुजाहिदीन का एक हाई लेवल ऑपरेटिव था और 5 साल पहले हुए अहमदाबाद सीरियल धमाकों का एक मुख्य आरोपी भी। 26 जुलाई 2008 के दिन हुए इन 70 धमाकों में कुल 56 लोग मारे गए थे जबकि 200 से ज्यादा घायल हुए थे। इन धमाकों के बाद से ही उस समय क्राइम ब्रांच में रहे राकेश मारिया महाराष्ट्र में सक्रिय आईएम मॉड्यूल के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। लगभग 1 साल दिन रात काम करने के बाद उन्होंने इस आतंकी संगठन के कई बड़े नामों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था और अफजल उस्मानी भी ऐसा ही एक नाम था। उस्मानी नाम का यह अत्यंत खूंखार आतंकी ही कारण था कि धमाके करने के लिए आईएम टिफिन बॉक्सेस की जगह चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगी थी। मारिया जानते थे कि उस्मानी जैसा अतिवादी सोशियोपैथ अगर ज्यादा दिन बाहर रहा तो पाकिस्तान की फंडिंग से चलने वाले आतंकी संगठनों में एक नई जान आ जाएगी। एक बार फिर इस देश के शहरों में धमाकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। उन्हें कुछ भी करके एक बार फिर उस्मानी को सलाखों के पीछे डालना ही डालना था। उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। इसी दिन शाम को ठीक 4:30 बजे कोलाबा पुलिस स्टेशन में उस्मानी के खिलाफ कस्टडी से भागने की FIR दर्ज कर ली जाती है और उधर राकेश मारिया मुंबई और थाने के सभी ATS चीफ्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। उस्मानी के कितने रिश्तेदार हैं, कितने दोस्त हैं, जेल में उससे मिलने कौन कौन आता था, कोर्ट पेशी के दौरान कौन कौन उससे मिलने जाया करता था, पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कौन है जो कस्टडी से भागने में उसकी सहायता कर सकता है, उसे आश्रय दे सकता है, उसे पैसे और दूसरी सपोर्ट मुहैया करा सकता है, ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके उत्तर राकेश मारिया और उनकी टीम को ढूंढने ही ढूंढने थे और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ATS की काला चौकी को इस समय मारिया के खास इंस्पेक्टर दिनेश कदम हेड कर रहे थे। कदम को इंटेलिजेंस मिलती है कि कोर्ट से भागने के 40 मिनट बाद उस्मानी अपने चचेरे भाई अकमल दाऊद उस्मानी के पास गया था जो सेवरी में रहता है। मारिया के आदेश पर तुरंत एक ATS टीम सेवरी के लिए निकल जाती है, लेकिन उस्मानी उनके हाथ नहीं लग पाता। अपने भाई से कुछ पैसे लेने के बाद IM का एक खूंखार आतंकी वहां से भी गायब हो गया था।
महाराष्ट्र एटीएस ने अपने खबरियों के विशालकाय नेटवर्क को उस्मानी का पता लगाने के लिए एक्टिवेट कर दिया था और कुछ ही दिन बाद धारावी में रहने वाले एक खबरी के हाथ तीतर लग जाता है। इस खबरी के अनुसार जिस दिन उस्मानी कोर्ट से भागा था ठीक उसी दिन से धारावी में रहने वाला उसका 19 वर्षीय भांजा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इस लड़के का नाम जावेद नूरुल हसन खान था और ये उस्मानी की सगी बहन का बेटा था। एटीएस को पता चलता है कि जावेद उस्मानी से मिलने नियमित रूप से तलोजा जेल जाया करता था और हर कोर्ट डेट पर भी उसके साथ होता था। लेकिन मजे की बात ये थी कि जिस दिन उस्मानी कोर्ट से भागा उस दिन जावेद कोर्ट नहीं गया था और अब उस्मानी की तरह वो भी गायब था। एटीएस की टीम दिन रात जावेद के दोस्तों और जानने वालों को उठाने में लग जाती है। धारावी में उसके घर के बाहर 24 घंटे की सर्वेलेंस बिठा दी जाती है लेकिन मामा भांजे का कोई नामो निशान नहीं मिल पाता। ये दोनों कुछ ऐसे गायब हो चुके थे जैसे गधे के सर से सींग। देखते ही देखते एक महीना बीत चुका था, एक अत्यंत तनावपूर्ण और लंबा महीना, और अभी तक एटीएस के पास उस्मानी का कोई अतापता नहीं था। कहीं फिर कोई और धमाका हुआ और उसमें उस्मानी का हाथ पाया गया तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। अपने ऑफिस में बैठे राकेश मारिया ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके पास इंस्पेक्टर दिनेश कदम का फोन आता है। सर, वो जावेद मुंबई वापस आ गया है। धारावी और आसपास के इलाकों में सक्रिय एटीएस के खबरियों ने उस्मानी के भांजे को गोवंडी, कुरला, शायन और महिम में स्पॉट कर लिया था और अब इंस्पेक्टर कदम को पता चला था कि 25 अक्टूबर को रात के 9 बजे वो एलबीएस मार्ग स्थित होटल डिलक्स आने वाला है। हमारे पास यही एक मौका है दिनेश, एकदम परफेक्ट प्लान बनाओ, साला बच के नहीं जाना चाहिए। अगले दिन राकेश मारिया और इंस्पेक्टर दिनेश कदम के बीच एक लंबी मीटिंग होती है जिसमें जावेद को पकड़ने के लिए एक अंडरकवर ऑपरेशन की डिटेल्ड प्लानिंग की जाती है। इस ऑपरेशन के लिए इंस्पेक्टर कदम एटीएस के सबसे होशियार ऑफिसर्स में से 9 पुलिस वालों को खुद अपने हाथों से चुनते हैं। एक स्टेज प्ले की तरह इन सभी ऑफिसर्स को अपने अपने कैरेक्टर्स और स्क्रिप्ट्स दे दिए जाते हैं। रात के 8 बजे तक अपना अपना भेष धारण कर ये सभी ऑफिसर्स होटल डिलक्स के बाहर और अंदर पोजीशंस ले लेते हैं और अपना अपना रोल निभाना शुरू कर देते हैं। खराब हुई सफेद गाड़ी में सवार वो दोनों आदमी और उनका मैकेनिक। पान के खोखे के बाहर सिगरेट पी रहा वो आदमी और उसका दोस्त। बुर्का पहने वो औरत और पठानी सूट में बाइक पर बैठा उसका साथी। और रेस्टोरेंट के अंदर उस टेबल पर बैठे वो तीनों आदमी जो किसी कोर्ट केस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, ये सभी के सभी लोग एटीएस के अंडरकवर ऑफिसर्स थे। रात के 9 बजे जावेद होटल डिलक्स आता है और एक छोटी सी चेस के बाद एटीएस उसे धर दबोचती है। इंस्पेक्टर कदम से जानकारी मिलते ही राकेश मारिया अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही उछलने लगते हैं। वो उस्मानी जिसने पिछले एक महीने से एक भी रात उन्हें चैन से सोने नहीं दिया था, वो अफजल उस्मानी अब राकेश मारिया को अपनी मुट्ठी में दिखाई देने लगा था। उधर लॉकअप में जावेद का मुंह खुलवाने के लिए एटीएस को उसकी कोई ज्यादा खातिरदारी नहीं करनी पड़ती। हल्के फुल्के से 2-4 थप्पड़ों में ही वो तोते की तरह सब कुछ उगल डालता है। जावेद बताता है कि उसका मामा उस्मानी पिछले काफी समय से उसे कोर्ट ले जाने वाले पुलिस वालों का रूटीन, उनके ड्यूटी पैटर्न्स और आदतों को बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व कर रहा था। वो जानता था कि उसे हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती और कोर्ट के परिसर में भीड़ भाड़ भी काफी रहती है। ऐसे में भागने के लिए उसे केवल एक मौके की तलाश थी जो 20 सितंबर 2013 की दोपहर उसे मिल गया था। उस दिन अपने मामू से मिलने के लिए कोर्ट जाने के बजाय जावेद घर पर ही रुक गया था। उसने अपनी माँ द्वारा इमरजेंसी के लिए इकट्ठा किए गए 5,000 रुपए भी चुरा लिए थे और अपने मामा के निर्देशानुसार दो लोगों के हिसाब से कपड़े भी पैक कर लिए थे। 20 सितंबर की दोपहर खाना खाने के बाद जावेद अपने घर का दरवाजा आधा खुला छोड़ हाथ में फोन लिए अपने मामू के इंतजार में बैठ जाता है। लगभग 4:30 बजे चॉकलेट रंग की पैंट और सफेद शर्ट पहने उस्मानी जावेद के घर आ पहुंचता है। चलो जावेद जल्दी करो, पैसों का इंतजाम कर लिया है ना, फिर खड़े हो जाओ बेटा, मैं भी निकलना है, उस्मानी ये कहता है और बिना कोई सवाल जवाब किए जावेद अपना बैग उठा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। असल में धारावी में पले बड़े जावेद के लिए अपना मामू अफजल उस्मानी किसी हीरो से कम नहीं था।
उसके अफजल मामू जो अंडरवर्ल्ड में भाई हुआ करते थे, जिनके नाम मात्र से ही अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती थी, उसके दबंग मामू जिन्होंने इस्लाम की खिदमत करने के लिए अंडरवर्ल्ड का रास्ता छोड़ जिहाद का रास्ता पकड़ लिया था। जावेद जैसा एक कच्ची उम्र का बेरोजगार लड़का अपने इस आदर्श मामू से आखिर कैसे प्रभावित न होता। घर से बाहर निकलने के बाद उस्मानी और जावेद मुकुंद नगर जाते हैं, जहां विनायक हेयर कटिंग सैलून में अपनी दाढ़ी मूछ साफ करवाने के बाद उस्मानी हेड और फेशियल मसाज भी करवाता है। उस्मानी का मेकओवर पूरा हो चुका था और अब उसे नए सिरे से एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। सूरज ढलते ही मामा भांजे की ये जोड़ी बेस्ट की बस में बैठ खार जाते हैं और फिर खार से ऑटो में बोरीवली, जहाँ से वो एक प्राइवेट बस में बैठ गुजरात के लिए रवाना हो जाते हैं। वापी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद रात के कोई 1:30 बजे उस्मानी और जावेद गोरखपुर अवध एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं, जो उन्हें सुबह के लगभग 7 बजे तक लखनऊ पहुंचा देती है। लखनऊ से बस पकड़ ये दोनों फकरपुर जाते हैं और फिर वहां से एक तांगा का टटीहरा गांव, जहां जावेद की बड़ी बहन यानी कि उस्मानी की भांजी सलमा खातून ब्याई हुई थी। दो चार दिन टटीहरा में बिताने के बाद उस्मानी बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल चला जाता है, लेकिन जाने से पहले जावेद को सख्त निर्देश देता है कि वो किसी भी हालत में मुंबई वापस नहीं जाएगा। उस्मानी के नेपाल जाने के बाद जावेद लालपुर के आसपास एडमिशन के लिए कोई ठीक ठाक सा कॉलेज ढूंढने में लग जाता है, लेकिन एडमिशन के लिए उसे अपने सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स की आवश्यकता थी, जो मुंबई में पड़े हुए थे। वैसे भी जिंदगी भर मुंबई के अपराधी तत्वों के बीच पले बड़े एक जवान लड़के को पूर्वांचल की देहाती जिंदगी कहां सुहाने वाली थी। उसे तो धारावी के अपने वो पंटर लोग याद आ रहे थे, इसीलिए अपने मामू के निर्देशों को ताक पर रखते हुए जावेद मुंबई के लिए निकल ही जाता है। अब जावेद मुंबई आ तो जाता है, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि यहाँ एटीएस उसे शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रही होगी, इसीलिए वो अपने घर दोस्तों रिश्तेदारों से दूर ही रहता है और गोवंडी के गैराज में काम के बदले अपने रहने का इंतजाम कर लेता है। जावेद और एटीएस के दूसरे सोर्सेज से मिली इंटेलिजेंस उस्मानी के अत्यंत खतरनाक इरादों से पर्दा उठा देती है। इस समय तक आईएम की ज्यादातर लीडरशिप या तो मारी जा चुकी थी या फिर जेलों में सड़ रही थी। यही कारण था कि उस्मानी कुछ भी करके इस खाली जगह को हथियाना चाहता था, लेकिन आईएम की कमान अपने हाथों में लेने के लिए अब उस्मानी को भारत में कुछ नए धमाके करवाने थे और इसके लिए वो दुबई अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान की आईएसआई से संपर्क भी साध चुका था। इंस्पेक्टर कदम के पूछने पर जावेद बताता है कि अब उसका मामा नेपाल में है, लेकिन नियमित रूप से टटीहरा आता जाता रहता है। इसका मतलब यह था कि अब महाराष्ट्र एटीएस को एक नई अनजान जगह जाकर अपने इस मिशन को अंजाम देना था और इसके लिए राकेश मारिया को अपने कुछ सबसे चालाक, चतुर और फुर्तीले ऑफिसर्स की आवश्यकता थी। जावेद से पूछताछ करने और मुंबई और टटीहरा के बीच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनने के लिए इंस्पेक्टर दिनेश कदम को मुंबई में ही रुकना था। एसीपी मंगेश पोते, इंस्पेक्टर शीतल राउत, एआई अनिल हनराव, पुलिस नायक नामदेव काले और महेश बागवे और कांस्टेबल असम फारूकी और अनवर मेमन, मुंबई पुलिस के इन नामों को टटीहरा जा उस्मानी को पकड़ना था और मुंबई वापस लेकर आना था, लेकिन सुनने में आसान ये मिशन वास्तव में कितना मुश्किल होने वाला है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। एंड टाइम पर इन सभी ऑफिसर्स को लखनऊ की फ्लाइट में एक साथ सीट्स नहीं मिल पाती, इसीलिए इन्हें दो ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप का जिम्मा इंस्पेक्टर शीतल राउत को और दूसरे का एसीपी पोते को सौंपा जाता है। दो अलग अलग फ्लाइट्स में मुंबई पुलिस की टीम्स लखनऊ के लिए निकल जाती हैं और सबसे पहले इंस्पेक्टर राउत की टीम लखनऊ में लैंड करती है। इंस्पेक्टर राउत जानते थे कि जावेद के अरेस्ट होने और उनके यहां आने की खबर आतंकियों के नेटवर्क तक पहुंची जाएगी, इसीलिए बिना दूसरी टीम का इंतजार करे वो एक टवेरा गाड़ी किराए पर लेते हैं और टटीहरा के लिए निकल जाते हैं। टटीहरा में पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर राउत की टीम को पता चलता है कि उस्मानी की भांजी के घर एक नया आदमी रहने आया है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि ये आदमी कौन है और ये कैसे पता किया जाए कि अभी वो उस घर के अंदर है या नहीं। दोपहर होते होते सादे कपड़ों में कुछ स्थानीय पुलिस वाले उस्मानी की भांजी के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें मिली शिकायत के अनुसार इस घर में ताश का जुआ खिलाया जाता है। उस्मानी की भांजी इन पुलिस वालों को अंदर आ तलाशी लेने की अनुमति भी दे देती है। ये पुलिस वाले तलाशी भी लेते हैं, लेकिन उस्मानी नहीं मिल पाता। ये सुनते ही राकेश मारिया गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं
उन्हें लगने लगता है कि अब उस्मानी को इस ऑपरेशन की भनक लग ही जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी पहुंच से बाहर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस घर में मौजूद लोगों को किसी प्रकार का कोई शक नहीं होता, बल्कि वो तो उल्टा उन घरों की जानकारी पुलिस को देने लगते हैं जहां वाकई में जुआ खिलाया जाता था। उधर मुंबई में जब इंस्पेक्टर दिनेश कदम को ये जानकारी मिलती है तो वो गुस्से से हिनहिनाते हुए जावेद की ठुकाई करना शुरू कर देते हैं। हल्की फुल्की ट्यूनिंग में ही जावेद की याददाश्त वापस आ जाती है, पर इस बार वो बताता है कि पूरे टटीहरा में केवल एक ही आदमी ऐसा है जो उन्हें उस्मानी तक पहुँचा सकता है। इस आदमी का नाम था फकरुद्दीन और ये उस्मानी के लंगोटिया यारों में से एक था। स्थानीय लोगों से थोड़ी और पूछताछ करने पर एटीएस को फखरुद्दीन के बारे में जानकारी मिल जाती है और वो उस पान की दुकान के बाहर घात लगाकर बैठ जाते हैं जहां वो दिन में कई बार आया करता था। कोई आधे घंटे बाद फखरुद्दीन इस पान की दुकान पर आता है, अपने मुंह में बनारसी पत्ता दबाता है और वापस अपने रास्ते चलने लगता है कि तभी अचानक इंस्पेक्टर राउत और उनकी टीम उसे बिल्कुल किडनैपिंग स्टाइल में उठाते हैं और अपनी टवेरा गाड़ी में डाल यहां से गायब हो जाते हैं। दिन दहाड़े भरी सड़क से ऐसे किडनैप हुआ फखरुद्दीन बुरी तरह घबरा तो रहा था, लेकिन जब उससे उस्मानी के बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मुकर जाता है। साहब कौन अफजल और कैसा उस्मानी? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता साहब, अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ। मैं तो बहुत ही गरीब बीवी बच्चों वाला इंसान हूँ साहब, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ साहब, मुझे यहाँ से जाने दो। फखरुद्दीन की एक कमाल की एक्टिंग देख एक बार को तो इन पके हुए एटीएस ऑफिसर्स को भी उस पर विश्वास सा होने लगता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर राउत के फोन पर इंस्पेक्टर कदम की कॉल आती है और इंस्पेक्टर राउत तुरंत अपना फोन स्पीकर पे डाल फखरुद्दीन के सामने रख देते हैं। सलाम अलैकुम फखरू भाई। फोन पे जावेद की आवाज सुनते ही फखरुद्दीन के चेहरे का रंग लाल से पीला हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता जावेद आगे कहता है, भाईजान मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अफजल मामू कहाँ है, इन्हें सब कुछ बता दो। अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो भाईजान, आप जेल जाओगे तो उनका क्या होगा। एक 19 साल के लड़के से ऐसी बातें सुन फखरुद्दीन आखिर टूट ही जाता है। हाँ साहब, उस्मानी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे बॉर्डर क्रॉस करा के नेपाल भी मैंने ही भिजवाया था। अभी वो नेपाल में है, लेकिन सलमा और मुझसे मिलने यहाँ टटीहरा आता रहता है। वो अभी 3 दिन पहले ही यहाँ से नेपाल वापस गया है साहब। ये सुनते ही मुंबई से आई एटीएस टीम में एक मायूसी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि फखरुद्दीन का काम धंधा मुंबई में भी है तब उन्हें आशा की एक किरण नजर आने लगती है। देख भाई फखरुद्दीन, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल ले, तूने कस्टडी से भागे एक नामी आतंकी की मदद की है, तेरे ऊपर केस तो चलेगा ही चलेगा, तू जेल तो जाएगा ही, लेकिन वहाँ मुंबई में तेरे धंधे पर भी ताला लटकेगा साले। इसलिए टाइम लेके सोच, लेकिन जल्दी बता कि अब आगे क्या करना है। फखरुद्दीन की गुद्दी पकड़ इंस्पेक्टर राउत ये कहते हैं तो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो उत्तर देता है, साहब माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, उस्मानी नेपाल में कहाँ है वो सिर्फ असलम नाम के एक लड़के को पता है, और असलम भी अभी नेपाल में ही है। ये जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर राउत और उनकी टीम फटाफट एक प्लान तैयार करते हैं और फखरुद्दीन से किसी इमरजेंसी के बहाने असलम को फोन कर तुरंत यहाँ बुलाने को कहते हैं। हाँ असलम, मैं फखरुद्दीन बोल रहा हूँ, उस्मानी भाई कहाँ हैं? क्या हुआ भाईजान, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन कुछ अर्जेंट काम था। उस्मानी भाई से कहना कि फिदाइन वाले काम के लिए बकरा मिल गया है और उनसे मिलना चाहता है, कल ही यहाँ चले आए। अच्छा तो ठीक है भाईजान, मैं आपको थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ। असल में अपने पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए उस्मानी को एक ऐसे युवक की तलाश थी जो अपने शरीर से बॉम्ब लपेट खुद को दिल्ली या मुंबई में उड़ा सके, और अब इसी चीज को बहाना बनाते हुए एटीएस ने उसके सामने चारा डाल दिया था। हाँ बोल असलम। हाँ भाईजान, थोड़ी देर में हम दोनों बॉर्डर के पास वाली बार में जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाओ, वहीं बात करते हैं। असलम जिस बार की बात कर रहा था वो नेपाल में पढ़ती थी और एटीएस चाहकर भी नेपाल के अंदर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए फखरुद्दीन को साफ निर्देश दिए जाते हैं कि उसे कुछ भी करके उस्मानी को बॉर्डर क्रॉस करवाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद फखरुद्दीन बॉर्डर पार स्थित उस बार के अंदर चला जाता है जहां असलम के साथ अफजल उस्मानी पहले से ही बैठा हुआ था, अफजल उस्मानी जिसे अब इरफान कुरेशी के नाम से जाना जाता था। अगले एक घंटे तक ये तीनों दोस्त शराब पीते हुए खूब बातें करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जब बार से बाहर निकलते हैं तो नशे में धुत उस्मानी असलम और फखरुद्दीन के कंधों पर पड़ा होता है।
ठीक इसी समय राकेश मारिया अपने दोस्त और बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के घर डिनर पर आए हुए थे, लेकिन ये डिनर कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। हर थोड़ी देर में मारिया का फोन बज रहा था और उनको बार बार बात करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ रहा था। अभी मारिया और उनके मेजबान ने खाना खाना शुरू ही किया था कि एक बार फिर उनका फोन बज उठता है। इस बार इंस्पेक्टर राउत उन्हें फोन कर रहे थे। हाँ बोलो राउत, सब ठीक तो है ना? नहीं सर, कुछ ठीक नहीं है। इस साले उस्मानी ने यहाँ सब गुड़गोबर कर दिया। सर हमें अभी के अभी यहाँ बॉर्डर की चेक पोस्ट पर 1.5 लाख रुपए चाहिए। असल में बॉर्डर पर तैनात नेपाली गार्ड्स ने नशे में धुत इरफान कुरेशी उर्फ अफजल उस्मानी को बॉर्डर क्रॉस करने से रोक लिया था, क्योंकि नियमों के अनुसार वो ऐसा कर सकते थे। और अब इन नियमों को ताक पर रखने के लिए ये गार्ड्स असलम और फखरुद्दीन से पूरे 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। क्या बात कर रहे हो राउत, इस टाइम मैं नेपाल बॉर्डर पर 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ? राकेश मारिया के चेहरे पर उतर चुके इस टेंशन को विधु विनोद चोपड़ा तुरंत भांप लेते हैं। क्या हुआ राकेश, सब ठीक तो है ना? विदु, मुझे अभी के अभी नेपाल बॉर्डर पे 1.5 लाख रुपए पहुंचाने हैं। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस इतना जान लो कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। मारिया से सुनते ही विदु चोपड़ा तुरंत अपने एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी विनोद प्रधान को फोन करते हैं, जो नेपाल के ही रहने वाले थे। विनोद ये काम करने को तैयार हो तो जाते हैं, लेकिन इस समय वो काठमांडू में थे और वहां से नेपाल बॉर्डर तक पैसे पहुंचाने में उन्हें कम से कम 8 घंटे का समय लगने वाला था। राकेश, विनोद कह रहा है कि 8 घंटे से पहले पैसे वहां नहीं पहुंच सकते। बोलो, तुम कहो तो उसे हाँ बोल दूं। राकेश मारिया जानते थे कि उनकी टीम के पास इतना समय तो बिल्कुल नहीं है। इन 8 घंटों के दौरान बहुत कुछ हो सकता था। नेपाली गार्ड्स को इरफान कुरेशी की असली पहचान पता चल सकती थी, या फिर उस्मानी के आतंकी साथी या ISI उसे छुड़ाने वहां पहुंच भी सकते थे। इसीलिए बहुत भारी दिल के साथ मारिया विधु चोपड़ा का धन्यवाद करते हुए उनसे विनोद प्रधान को ना कहने के लिए कह देते हैं। इस बुरी खबर के साथ मारिया इंस्पेक्टर राउत को फोन कर उनसे कहते हैं कि अभी के अभी उनके पास नेपाल बॉर्डर पर पैसे पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए उन्हें और उनकी टीम को अपने विवेक का इस्तेमाल कर खुद अपने आप इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। कोई दूसरा रास्ता ना देख नेपाल बॉर्डर पर मौजूद मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स अपनी अपनी सोने की अंगूठियां, सोने की चेन्स, घड़ियां और हर वो चीज जिसकी कीमत लगाई जा सकती थी इकट्ठा करते हैं और फखरुद्दीन के हाथों में सौंप देते हैं। फखरुद्दीन ये सारा सोना और घड़ियां नेपाली गार्ड्स के हवाले कर देता है और इरफान कुरेशी की असली पहचान से पूरी तरह अनजान ये नेपाली गार्ड्स उसे बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति दे देते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फखरुद्दीन, असलम और उस्मानी सीधा रुपईडीहा रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहां उस्मानी को एक बेंच पर बिठाने के बाद फखरुद्दीन असलम से कहता है, वो मैं जरा हल्का होने जा रहा हूँ, अच्छा चाय भी लेता आऊंगा, तू पिएगा तो बता। हाँ बिल्कुल पीऊंगा ना भाईजान, जल्दी आ जाना, फिर मेरे को भी हल्का होने जाना है। ये कहने के बाद जैसे ही फखरुद्दीन असलम की आंखों से ओझल होता है, ACP पोते और इंस्पेक्टर राउत की टीम्स उस्मानी के ऊपर टूट पड़ती हैं। असलम को लोकल पुलिस के हवाले कर ATS की टीम उस्मानी को ले सीधा लखनऊ के लिए निकल जाती है। उस्मानी की दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो कई दिनों से नहाया नहीं था और बुरी तरह बास मार रहा था, इसीलिए लखनऊ पहुंचते ही सबसे पहले उसकी शेव बनाई जाती है और नहाने धोने के बाद पहनने के लिए नए कपड़े भी दिए जाते हैं। अब साफ सुथरा लग रहे अफजल उस्मानी की एक फोटो खींच DGCA को भेज दी जाती है, जिससे कि उसे फ्लाइट से मुंबई ले जाने की परमिशन मिल सके। ACP पोते अच्छे से जानते थे कि खुद को बचाने के लिए उस्मानी एयरपोर्ट पर हंगामा भी खड़ा कर सकता है, इसीलिए वो सबसे पहले एयरपोर्ट के डॉक्टर से उसका चेकअप करवा फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं और फिर बहुत प्यार से उसे समझाते हैं। देख उस्मानी, मुंबई तो तुझे हर हाल में जाना ही जाना है, अब ये तेरे ऊपर है कि ये सफर तुझे आराम से मेरे साथ सीट पर बैठकर पूरा करना है या फिर प्लेन के छोटे से टॉयलेट में। ये सुन उस्मानी अपना सर हां में हिलाने लगता है तो ACP पोते उससे आगे कहते हैं, अगर तूने फ्लाइट में जरा सा भी ड्रामा किया ना तो ये राउत तेरी ऐसी हालत करेगा मादर के, जिहाद पिहाद करना तो दूर की बात, तू अपना पिछवाड़ा साफ करने के लायक भी नहीं रहेगा। तलाशी लेने पर ATS को उस्मानी के पास से बहराइच जिले के RTO से इश्यू हुआ एक ड्राइवर लाइसेंस मिलता है, जिसके ऊपर फोटो तो उसकी ही थी लेकिन नाम सत्तार खान लिखा हुआ था। जल्द ही नए चार्जेस के साथ ATS चार्जशीट फाइल कर देती है और उस्मानी का केस कोर्ट में चला जाता है, लेकिन कोर्ट में उसके वकीलों का बचाव सुन ATS के साथ साथ जज साहब भी हक्के बक्के रह जाते हैं।
कोर्ट के सामने उस्मानी दावा करता है कि वो तो कभी कस्टडी से भागा ही नहीं था, बल्कि उस बेचारे को तो पुलिस ने किडनैप कर एक अज्ञात जगह पर रखा हुआ था, जहां उसे दिन रात टॉर्चर कर अहमदाबाद धमाकों के केस में अप्रूवर बनने को कहा जा रहा था। उस्मानी की इस फिल्मी कहानी में छेद करने के लिए एटीएस कोर्ट के सामने उसके द्वारा बहराइच आरटीओ में फाइल की गई वो एप्लीकेशन प्रस्तुत करती है, एप्लीकेशन जिसके आधार पे उसने अपना नकली लाइसेंस बनवाया था। इस एप्लीकेशन को आरटीओ में फाइल करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती थी, इसलिए जिस दौरान उस्मानी पुलिस द्वारा किडनैप किए जाने का दावा कर रहा था, ठीक उसी दौरान उसके फिंगरप्रिंट्स मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर एक आरटीओ की बायोमेट्रिक मशीन में टाइम स्टैम्प के साथ छपे हुए थे। ۲۰۰۸ के उस खूनी शनिवार के पूरे 14 साल बाद 18 फरवरी 2022 के दिन स्पेशल कोर्ट के जज एआर पटेल अहमदाबाद सीरियल धमाकों में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। इस फैसले में 28 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और 11 को आजीवन कारावास जबकि 38 आरोपियों को मृत्यु दंड दिया जाता है। 38 आरोपी जिनमें से एक नाम अफजल उस्मानी का भी था। कोर्ट का यह फैसला सुन उस्मानी बिल्कुल जमसा जाता है। उसे बार बार अपनी वो बात याद आ रही थी जो उसने 2013 में रुपईडीहा से लखनऊ आते समय एसीपी पोते से कही थी। साहब एक अंदर की बात बोलूं क्या, आपने एकदम बराबर टाइम पे मेरे को उठा लिया, वरना समझो मैं तो पाकिस्तान निकल ही गया था।